पहलवानों के आंदोलन के बाद से लगातार दिल्ली से लेकर अयोध्या तक कड़े तेवर दिखा रहे बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत 2 FIR दर्ज की थी। NDTV को दोनों FIR से कुछ चौंका देने वाले तथ्य मिले हैं। पहली FIR 6 महिला वयस्क पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई है। दूसरी FIR एक नाबालिग पहलवान के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है। महिलाओं ने शिकायत में बृजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहली बार यौन शोषण, बृजभूषण ने तस्वीर लेने के बहाने गलत तरीके से छुआ, बृजभूषण ने जांघ और छाती पर हाथ रखा, यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया, कुश्ती संघ के दफ्तर में भी हुआ यौन उत्पीड़न, टी शर्ट उतारी, सांस जांचने के बहाने गलत जगह छुआ, जांच कमेटी के सामने बयान दर्ज कराते वक्त कैमरा बंद किया गया। बृजभूषण ने इन आरोपों पर फिर दोहराया कि ये झूठे आरोप हैं और अगर साबित हुए तो वो खुद फांसी पर लटक जाएंगे। पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। महिला पहलवानों को अब खापों और संयुक्त किसान मोर्चे का भी साथ मिल गया है। कुरुक्षेत्र में हुई खाप पंचायत के बाद सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि 9 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, वरना पहलवानों के साथ किसान और खाप नेता दिल्ली के जंतर मंतर तक कूच करेंगे। 9 तारीख को हम अपना निर्णय देंगे, बच्चों को हम लेकर जाएंगे वहीं जंतर मंतर पे, ये तहवा के उनको वहां बैठाएंगे, पुलिस रोक करेगी क्या करेगी वो उसका है, लेकिन उससे पहले सरकार इसका निर्णय ले, उसकी गिरफ्तारी करे और बातचीत जो कुछ होगा और होती रहेगी। रेसलर से आपकी बातचीत भी हुई है, रेसलर का क्या कहना था? रेसलर का ये है कि हमने आपको 5 दिन का टाइम दिया था और अभी हुआ नहीं कुछ, हम बहुत टेंशन में, कुछ भी हादसा हो सकता है, सरकार की तरफ से कुछ आया है संवाद के लिए आया। इस बीच पहलवान चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक पहलवानों द्वारा सरकार को दिया अल्टीमेटम शनिवार को खत्म हो रहा है। पहलवान भी शनिवार को कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। केंद्र सरकार और BJP अब दोनों ही काफी एक्टिव हो गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या में एक बड़ी रैली करके शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, उन्हें कहा गया है कि रैली रद्द करें या आगे बढ़ाएं, तो बृजभूषण शरण सिंह ने रैली ये कहते हुए रद्द कर दी है कि सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह को ये भी कहा गया है कि वो मीडिया में बयानबाजी ना करें। उधर खाप पंचायतों ने ज़रूर जमघट लगाकर सरकार पर दबाव बनाया है, लेकिन सरकार को एक हफ्ते का और वक्त दे दिया है। अब देखते हैं कि 9 जून से पहले सरकार किस तरीके से मामला सुलझाती है, क्योंकि पहलवान साफ कह रहे हैं कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। सहयोगी अश्वनी मेहरा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।